तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम दो मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करने वाले हैं। पहली मूवी है बैड बॉय, जिसको रिलीज़ हुई आज दूसरा दिन है, और दूसरी मूवी है किसी का भाई किसी की जान, जिसको कि रिलीज़ हुई आज नौवां दिन है। तो बात करेंगे ये दोनों मूवीज़ आज के दिन पर कितना कलेक्शन कर रही हैं, और दोनों मूवीज़ ने अभी तक टोटल कितना कलेक्शन कर लिया है। इसके अलावा बजट की भी बात करेंगे और स्टार कास्ट की भी। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस पहले बात करते हैं बैड बॉय मूवी की। तो गाइस बैड बॉय मूवी है जो है वो बॉलीवुड की मूवी है। ये मूवी कल ही रिलीज़ हुई थी, और इस मूवी के लीड रोल में आपको नमेशी चक्रवर्ती देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हैं मिथुन चक्रवर्ती के बेटे, और ये इनकी डेब्यू फिल्म है। इसके अलावा इस फिल्म में आप लोगों को अमरीन कुरैशी भी देखने को मिलने वाली है। मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का जो बजट है वो है 12 करोड़ रुपए, जो कि अच्छा बजट है एक डेब्यूटन फिल्म के लिए, बहुत ही अच्छा बजट है। बात करें मूवी की अगर मैं कलेक्शंस की, तो इस मूवी का जो पहले दिन पर कलेक्शन निकल कर आया है ऑल ओवर इंडिया से ग्रोस कलेक्शन, वो है 25 लाख रुपये। और दूसरे दिन की बात करूँ आज की, तो आज के दिन पर जो इस मूवी का इंडियन कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो है 20 लाख रुपये। टोटल इस मूवी ने जो कलेक्शन कर लिया है दो दिनों में इंडियन ग्रोस कलेक्शन, वो हो चुका है 45 लाख रुपये, जो कि देखे जाए तो कुछ भी अच्छे कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी का बजट बहुत ही बड़ा है। अगर ये मूवी ऐसे ही कलेक्शन करती रही तो बहुत बड़ी डिजास्टर मूवी बन जाएगी, और नमेशी चक्रवर्ती की पहली डेब्यू फिल्म ही जो है वो एक बिगेस्ट डिजास्टर साबित होने वाली है, क्योंकि इस मूवी को रिव्यूज़ भी बहुत ही नेगेटिव देखने को मिले हैं, और जिस जिसने भी इस मूवी को देखा कुछ खास पसंद नहीं किया, और पब्लिक की तरफ से इस मूवी को अच्छा से सपोर्ट नहीं देखने को मिला, क्योंकि इस मूवी के जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत ही नेगेटिव देखने को मिले हैं। पॉजिटिव रिव्यूज़ कुछ पॉजिटिव देखने को मिले, लेकिन सभी नेगेटिव रिव्यूज़ देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शन पर बहुत ही बड़ा असर पड़ा है। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना। तो अभी बात करते हैं हमारी दूसरी मूवी किसी का भाई किसी की जान की। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ हुई आज नौवां दिन है। बात करें मूवी के लीड रोल की, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको सलमान खान, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू और दघुपति वेंकटेश देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा रामचरण का छोटा सा कैमियो होने वाले हैं। बात करें मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट है 120 करोड़ रुपए का बड़ा बजट, और ये मूवी जो है वो तमिल मूवी का रीमेक है। उस मूवी के पहले भी बहुत सारे रीमेक बन चुके हैं। बात करें मूवी की अगर मैं कलेक्शंस की, तो इस मूवी का जो आज नौवें दिन पर कलेक्शन निकल कर आ रहा है ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन वो है 2 करोड़ रुपये, और ओवरसीज नेट कलेक्शन 50 लाख रुपये। ये मूवी आज के दिन पर वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन कर रही है 2 करोड़ 50 लाख रुपये की। बात करें मूवी ने टोटल 9 दिनों में कितना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, तो वो हो चुका है नेट कलेक्शन 124 करोड़ 50 लाख रुपये, जो कि इस मूवी ने बहुत ही बड़ा कलेक्शन कर लिया, और ये मूवी एक सुपरहिट मूवी बन चुकी है, और इस मूवी ने अपना बजट भी कवर कर लिया है। और इस मूवी का रिव्यूज़ तो बहुत ही नेगेटिव देखने को मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी ने बहुत बड़ा कलेक्शन कर लिया है, तो ये सलमान खान के स्टारडम की वजह से हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है सलमान खान की फ़ैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज़ में भी, इसीलिए इस मूवी ने इतना कलेक्शन कर लिया है। बाकी आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा तो ज़रूर देखना, और देख लिया है तो कमेंट में बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।